माधव, मुझे उन केसेस की लिस्ट मिल गई है जो हम शशांक की फर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं। वैसे तुमने उन क्लाइंट से बात कर ली है? जी सर, मैंने उन्हें बता दिया है कि अब हमारे बिहाफ पर अग्निहोत्री एंड एसोसिएट्स उनका केस हैंडल करेगी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? पर नॉट रियली। हाँ, एक आध क्लाइंट्स थोड़ी नाराजगी दिखा रहे थे, पर आई एम कन्विंस्ड देम। आज किसी वक्त इस लिस्ट की एक कॉपी शशांक को भेज दो। मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ सर, शशांक विल बी रिसीविंग इट सम टाइम टुडे। सर, आई हैव टू गो नाउ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ, मैं तुमसे पूछना ही चाह रहा था, तुम्हारी बात कैसी है? वैसी ही है सर, नो रियल इम्प्रूवमेंट इज सच। तुम बता रहे थे कि उस वार्ड बॉय की शक्ल तुम्हारे भाई से मिलती है? जी सर। तुमने पता लगाया वो कौन है? हो सकता है तुम्हारी माँ को ठीक करने में वही मदद कर सके। मैंने हर मुमकिन तलाश की है सर, पता नहीं वो कौन है जो एक झलक दिखाकर गायब हो गया, पर मैं तो उसे ढूंढ निकालूंगा ही। पर कैसे? देखिए दत्त साहब, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पिछले 4 दिनों में ये तीसरा फोन कॉल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको इन कॉल्स को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। आखिर आप पुलिस की मदद क्यों नहीं लेना चाहते? जी, मैं अभी आ रही हूँ। जी, आप यहाँ आ जाइए, हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। एक और केस। ये आज अचानक केसेस की बारिश कैसे हो रही है? हमने अदालत में ऐसा भी कोई कारनामा नहीं किया जिसकी वजह से फोन्स पे फोन्स आए। कारनामे सिर्फ अदालत में ही नहीं, अदालत के बाहर भी होती है। मतलब? मतलब एंटरप्राइज, डायनामिज्म। व्हाट काइंड ऑफ डायनामिज्म इज दिस? स्ट्रेंज। इट्स नॉट स्ट्रेंज यार, एक जैसे शक्ल के दो लोग होना कोई बहुत अजीब सी बात तो है नहीं यार। हमारी फिल्मों में तो हमेशा किसी न किसी का डबल रोल होता है। एंड में पता चलता है दोनों जुड़वा भाई थे जो बिछड़ गए थे। तेरा कोई जुड़वा भाई बिछड़ तो नहीं गया था? शराब प्रभाकर, मेरा सिर्फ एक भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस हमशक्ल की मुझे बस जरूरत है। आई नीड हिम, वी हैव गॉट टू फाइंड हिम, यू नो। वी विल डेफिनेटली फाइंड हिम। एक काम कर, तू अपने मुझे भाई की एक तस्वीर दे दे, मैं कुछ लोग लगा देता हूँ। वैसे तू कहे तो अखबारों में भी हम उसकी तस्वीर दे सकते हैं। श्योर, दे दे। आज तो मैं माँ को समझा लूंगा, मगर उस लड़के को ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे मिल जाएगा यार, तू बेकार की टेंशन मत ले। और सुना, एमके साहब के क्या हाल है? ये क्या है? ये लिस्ट है उन केसेस की जो शशांक अग्निहोत्री को दी गई। यानी शशांक अपने इरादे में अब कामयाब हो रहा है। ये लिस्ट में रख लूं? तू क्या करेगा? कुछ तो करूंगा ही यार। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि कौन से डायनामिज्म की बात कर रहे थे तुम। कम ऑन दीपा, मैं मजाक कर रहा था। अगर हमें एक के बाद एक केसेस मिल रहे हैं तो क्या ये कोई दुख की बात है? ऑफ कोर्स नॉट शशांक, दुख की बात तो नहीं है, पर हाँ हैरानी की बात है। हैरानी कैसी? अब इतने बुरे लॉयर्स भी नहीं है हम लोग कि हमें केसेस भी नहीं मिल सकते। तुम हियरिंग के लिए जा रही थी ना? ओ, मैं तो सचमुच लेट हो गई। ओके, आई विल सी यू इन द इवनिंग देन। ओके साहब, आपके लिए पैकेट। इट्स फॉर यू। शशांक की उन केसेस की लिस्ट है जो अब तुम्हें हैंडल करना है। मैंने इन सब क्लाइंट से बात कर ली है, एक बार तुम भी मिलो। माधव। किसी का नहीं, बस एक पुराने दोस्त का। तुम निकल रही हो ना? ओ या, बाय। हाँ मनु, सच? ओ ग्रेट, वेल डन सन, आई लव यू। हाँ हाँ, मैं कल आ रहा हूं। राइट, बाय। ओ मलिका जी, आप कब आए? बस अभी अभी। मेरे बेटे का फोन था, अपनी क्लास में फर्स्ट आया है, 91%। आप कुछ परेशान लग रही हैं। अब थोड़ी देर के लिए ये परेशानी वरेशानी छोड़ दीजिए, मैं आपका मुंह मीठा कराता हूं। मिश्रा, अगले 4.5 मिनट में यहां गार्डन में
मिठाई पहुंच जानी चाहिए, मनु फर्स्ट आया है। जी सर। अजीब आदमी है आप दत्त साहब, मैं आपको लेकर इतनी परेशान हूँ और आप हैं कि आप पुलिस को साफ साफ सब कुछ बता क्यों नहीं देते? बताया था, अब मैं ढिंडोरा तो पीट नहीं सकता। मैंने खुद एसीपी नॉर्थ को यूं ही बातों बातों में जिक्र किया था कि मुझे ऐसे कॉल्स आती हैं। बातों बातों में नहीं, आपको सीरियसली और वो भी अपनी एरिया के एसीपी से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि पिछले इतने महीनों से आपके पास ये एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों से डरता हूँ, बस मैं इनसे उलझना नहीं चाहता। After all, I'm a family man, you know. बस मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप ये यूनियन वाला मामला जल्द से जल्द निपटा दें। मैं बस ये सब छोड़ छाड़ के अब्रॉड चले जाऊंगा। लेकिन दत्त साहब, ये यूनियन वाला केस इतना जल्द नहीं खत्म होने वाला। 4 महीनों से सिर्फ डेट्स आगे बढ़ रही हैं। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास में सनीस। आज ही उन लोगों ने कहा कि अगले 24 घंटे में अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो मेरी जान ले लेंगे। खैर, मैं उनकी धमकियों से घबराने वाला नहीं। दत्त साहब, इस यूनियन वाले केस को खत्म करने का एक तरीका है, क्यों नहीं हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें? यूनियन वाले मान जाएंगे? आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। यूनियन की तरफ से एमके ये केस लड़ रहे हैं, मैं उनसे बात कर सकती हूँ और देखती हूँ शायद कोई रास्ता निकल आए। रास्ता तो है, आप लोग 200 एम्प्लॉइज हैं ना, सबको 2-2 साल की सैलरीज देने की डिमांड करते हैं। दत्त साहब मान जाएंगे? नहीं मानेंगे तो लड़े केस? लगता है हमें पहले ही आपके पास आना चाहिए था। पिछले 4 महीनों से लटक रहा है हमारा केस, हर तारीख पर कुलश्रेय साहब एक नई तारीख ले आते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, एमके साहब लॉयर तो बहुत अच्छे हैं, बस जरा उम्र हो गई है। ऐसे केसेस में सिर्फ तेज दिमाग ही नहीं, गर्म खून की भी जरूरत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अग्निहोत्री साहब। तो की जाए बात दत्त साहब से? नेकी और पूछ। हेलो। हेलो एमके। हाँ मल्लिका। मैं आपसे एक केस के बारे में बात करना चाहती थी, वो यूनियन वाला केस, आपको याद है? हाँ हाँ। मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से सिर्फ तारीखें आगे बढ़ रही हैं, क्यों ना हम इस केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें? 4 महीनों से हम ये केस लड़ रहे हैं और तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर भी रही हो। तो आज जब मैं ये केस शशांक को दे चुका हूं। चलो ठीक है, मैं शशांक से बात करता हूँ, हो सकता है वो मेरी बात मान ले। नहीं नहीं, शशांक से मैं खुद बात कर लूंगी, आखिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कौन सा लॉयर नहीं चाहता है, आई थिंक वो मान जाएगा। ठीक है, और हाँ, आज शाम को तुम क्लब में मिल रही हो ना? मैं आपसे बाद में बात करूंगी एमके, बाय। क्या हुआ, केस एमके साहब के पास नहीं है क्या? नहीं, केस अब शशांक अग्निहोत्री के पास है। सर, आपका फोन। कौन है? कोई अग्निहोत्री है। हेलो, कौन? शशांक अग्निहोत्री? माँ, तू आ गया बेटा? मुन्ना कहाँ है? माँ ने उसे ला ही रहा था, पर अचानक उसे कुछ काम आ पड़ा। बताया नहीं कि मैं उसे बहुत याद करती हूँ? बताया था माँ, बताया था उसे। तू झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है तू, फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? वो ठीक तो है ना बेटा? बिल्कुल ठीक है माँ, जरा मसरूफ हो गया है बस। क्या कोई बहुत बड़ा काम करने लग गया है? हाँ माँ, वो हॉस्पिटल में क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मेरा मुन्ना डॉक्टर बन गया, यानी क्या मेरे दोनों बेटे बड़े आदमी बन गए हैं। बस तू बेटा
मुझे अब यहाँ से ले चल, हाँ चल चलते हैं यहाँ से। माँ माँ अभी नहीं, मुन्ना आ जाए तब। मुन्ना आएगा, तुम्हारा चेकअप करेगा, यहाँ के डॉक्टरों से बात करेगा, उसके बाद। मुन्ना डॉक्टर, उसकी बात में वजन होगा। अब ये डॉक्टर आएंगे ना तो इन्हें साफ कह दूंगी, मेरा बेटा तुमसे बड़ा डॉक्टर है। हाँ लेकिन मुन्ना आएगा कब? बहुत जल्द। ठीक है दत्त साहब, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। हमें यह केस लड़ना ही होगा। दत्त साहब ने हमारी शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया है। पता नहीं क्या हो गया है दत्त साहब को। अभी एक साल पहले तक तो कंपनी एक्सपैंड करने की सोच रहे थे और अब अचानक कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया। वैसे आदमी कैसे है? वो तो एकदम देवता आदमी है अग्निहोत्री साहब, एकदम देवता। हमारी हर मुसीबत में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। फिर आप लोगों ने एक केस क्यों कर दिया? क्या करते अग्निहोत्री साहब, कंपनी के अचानक बंद हो जाने का मतलब है करीब 200 लोगों का एक साथ बेरोजगार हो जाना। और सच, अगर ये मजबूरी नहीं होती ना तो हम कभी ये केस नहीं लड़ते। आपको क्या लगता है दत्त साहब के इस फैसले की क्या वजह हो सकती है? क्या बताएं अग्निहोत्री साहब, दत्त साहब कुछ बताते भी तो नहीं। मुझे ऐसा लगता है अगर दत्त साहब भी आप लोगों से इतना प्यार करते तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट लिए राजी हो जाते। डिमांड कोई इतनी बड़ी भी तो नहीं। 2 साल की सैलरी, ये तो सरासर मौके का फायदा उठाने वाली बात हुई। कहीं उनको खबर तो नहीं कि आपको ऐसी कॉल्स आ रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इन कॉल्स के बारे में मेरी फैमिली और आपके अलावा किसी को भी कुछ पता हो। यानी कि ये डिमांड शशांक अग्निहोत्री के दिमाग की पैदावार है। मुझे शशांक अग्निहोत्री से एक बार मिलना होगा। आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? पहला फोन उन्होंने किया है दत्त साहब, यानी कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उन्हें भी चाहिए। मैं शशांक से कल का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, आमने सामने बात हो जाएगी। देखिए कल तो मैं घर जा रहा हूँ, हाँ उससे पहले सुबह हम मिल सकते हैं। सुबह 9 बजे मेरी फ्लाइट है, 7 बजे मैं मंदिर जाऊंगा। आप दोनों वहीं क्यों नहीं आ जाते, रास्ते में बात हो जाएगी। मंदिर? यू शुड बी केयरफुल दत्त साहब, आई मीन आपको इतना बाहर नहीं निकलना चाहिए। कम ऑन मालिका जी, मैं अपने क्लाइंट्स को और बिजनेस से जुड़े लोगों को अपने घर बुला सकता हूँ, लेकिन भगवान को नहीं, उनके पास तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। जी पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। कहाँ पहुंच जाओगे? बताता हूँ, पहले तुम बताओ आज अदालत में क्या हुआ। कुछ नहीं, फिर तारीख आगे बढ़ा दी, फिजूल में पूरा दिन वेस्ट हो गया। अब बताओ किससे बात कर रहे थे? मल्लिका से। अरे कुछ खास नहीं, एक केस के सिलसिले में बात कर रहे थे। वो मुझसे मिलना चाहती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। मल्लिका अनीस में केसेस लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई है क्या? कम ऑन दीपा, हर केस अदालत में नहीं सुलझाया जाता। जो बात अदालत के बाहर सुलझ सकती है उसके लिए अदालत जाने की क्या जरूरत, राइट? बिल्कुल सही कहा तुमने, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो मसला अदालत के बाहर हल हो सकता है उसको क्यों फजूल में अदालत में खींचें। पर मल्लिका एक बात मुझे अजीब सी लग रही है, दत्त साहब अच्छे खासे जवान आदमी है, उनका बिजनेस भी चला हुआ है, तो फिर उनको अचानक
सब कुछ बेच बाज कर अब्रॉड जाने की क्या सोची? इसका जवाब तो दत्ता भी दे सकती है। शशांक अग्निहोत्री। हेलो मिस्टर अग्निहोत्री, आपको ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं, मैं बस अभी अभी आया हूँ। ऑनेस्टली दत्त साहब, अगर मुझे सुबह 9 बजे की फ्लाइट पकड़नी हो तो मैं एक दिन की पूजा स्किप कर लूँ। जानते हैं मिस्टर अग्निहोत्री, एकदम खाली हाथ आया था मैं इस शहर में। ईश्वर की कृपा थी, देखिए कहां तक पहुंच गया। अब सिर्फ एक फ्लाइट मिस करने के डर की वजह से मैं उसकी आराधना तो छोड़ नहीं सकता। अलीका, अलीका, अलीका।